हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो ये जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक का, जो कि फोर्थ सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी फिफ्थ चैप्टर है। इससे पहले प्रीवियस में जो चैप्टर्स हैं वो करा चुकी हूँ, तीन चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। लिक्विडेशन कंपनी के अकाउंट्स वाला, अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन कंपनी, उसकी शायद थ्योरी मैंने नहीं करवाई है, वो भी मैं इसके बाद अपडेट कर दूँगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का मीनिंग क्या है हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न्स द बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, द बैंकिंग इज डिफाइंड एज सेक्शन 5 के इस एक्ट के जो है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके सेक्शन 5 में ये डिफाइन किया गया है कि द एक्सेप्टिंग accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public repayable on a demand or otherwise and withdrawal by check, draft, order or otherwise, यानी कि accept करना for the purpose of lending, किस चीज़ के लिए, आगे persons को उस पैसे मतलब money accept करना for the purpose of lending, आगे लोगों को lend करना, वो money देना as a loan, ठीक है, एंड और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, लोगों की डिपॉजिट्स ऑफ मनी की इन्वेस्टमेंट करना फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से आती है, रिपेबल ऑन डिमांड, और जो पैसा पब्लिक जमा कराती है वो रिपेबल ऑन डिमांड है, जब पब्लिक को चाहिए होगा तो हम उनको रिपेबल करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा, और अदरवाइज या फिर विड्रॉल बाय चेक, चेक के थ्रू पब्लिक डिमांड कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है अपनी मनी, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, मतलब ऑर्डर पर भी जब वो चाहे कि भाई मेरे को पैसा लेना है अपना जो मैंने सबमिट कर जमा करवा रखा है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। So if any company which is engaged in the business of manufacturing or trading of goods and accept deposits of money for its business operations will not be considered as going the business of banking. So इसलिए बोला गया है, कोई भी company जो engaged है business of manufacturing or trading of goods, कि देखो सिर्फ, क्योंकि देखो बैंकिंग के अंदर सिर्फ मनी का ट्रांजेक्शन होता है, मनी को गुड्स मान के चलते हैं, मनी की लेन देन होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कोई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स भी, गुड्स के अंदर भी ट्रेडिंग कर रही है, गुड्स को भी सेल और परचेज कर रही है और मनी के अंदर भी ट्रांजेक्शन कर रही है, तो हम उसको बैंक बोल सकते हैं, नहीं वो बैंकिंग का काम नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रोविजन इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विल अप्लाई टू बैंक्स आल्सो। इन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की एब्सेंस है, ठीक है, मतलब कि कहीं पर वो अगर एब्सेंट है ना, तो हम कंपनी एक्ट 1956 भी उसके अंदर मतलब लगा सकते हैं, उसके प्रोविज़न भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एब्सेंट है, ठीक है, उसके प्रोविजंस एब्सेंट हैं। बैंक रिसीव कैश फ्रॉम इट्स कस्टमर और ऑन देयर बिहाफ, बैंक क्या करता है, कैश रिसीव करता है कस्टमर से और उनके बिहाफ पे किसी और कोई और जमा करवाने आता है वो, इट हैज़ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं। देखो एक बैंक के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ कैश जमा हो रही है, ऐसा नहीं है, कैश जमा भी हो रही है, कैश निकाली भी जा रही है, किसी की एफ डी करवाई जा रही है, क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ, लेकिन मेन काम पर्पज़ यही होगा कि कैश डिपॉजिट हो रही है और कैश वापस भी ली जा रही है, यानी आगे फिर लैंड भी की जा रही है, तो कैश का लेन देन बैंक के अंदर किया जाता है। According to Section 6 of the Banking Regulation Act 1949, a bank may be engaged in the following business. कौन कौन से business में engage हो सकता है, देखो बैंक की सारी activities देर की 14 activities हैं कि बैंक के अंदर, एक बैंक के अंदर क्या क्या काम होते हैं। First, borrowing और raising of money, मनी को बोरो करना या अपनी मनी को बढ़ाना, रेज करना, लैंडिंग और एडवांसिंग मनी, सामने वाले पर्सन को अपने पास, बैंक के पास मनी तो बहुत सारी हो गई, लोगों ने जमा करवाई, आगे उस मनी को लैंड करना और किसी को पर्सन को एडवांस में देना मनी, यानी एक तरह लोन देना जो भी है, डीलिंग इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ह्यूंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डीलिंग करना। फोर्थ है एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर पर्सन,
कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई नॉर्मल पर्सन, कोई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग एक एजेंट के रूप में वर्क करना, यानी उनके बिहाफ पे वर्क करना, ठीक है। डायरेक्टिंग, नेगोशिएटिंग एंड इशू ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स, क्या करते हैं ये पब्लिक और प्राइवेट लोन को डायरेक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं उसके अंदर और इशू करते हैं उस लोन को। अगेन मैनेजिंग एंड अंडरराइटिंग ऑफ एनी इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, मैनेज करते हैं और अंडरराइट करते हैं इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, कोई भी शेयर और अगर डिबेंचर अगर आप इशू कर रहे हैं तो उसको अंडरराइट भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। कैरिंग ऑन गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस, कैरिंग ऑन गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस, क्या करते हैं रक्षा पूर्ति, गारंटी देना या फिर इंडेमनीफाई होता है किसी को, किसी की अगर लॉस जाता है उससे उसको इंडेमनीफाइड करना, इंडेमनीफाई होता है उससे रक्षा करना, उसको क्षति की पूर्ति करना, तो ये बिजनेस का करते हैं ये। मैनेजिंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स विच कम इनटू पोजेशन इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम, देखो अगर कोई क्लेम लेना था उसके रिगार्डिंग कोई नॉन बैंकिंग एसेट बैंक के पास आ गई है, उसको मैनेज करना, उसको सेल करना और उससे पैसा लेना। सपोज करो किसी ने लोन लिया था और उसने अपनी कोई चीज़ बैंक को गिरवी रखी थी और वो अपना क्लेम नहीं दे पाया, उसने लोन वापस नहीं किया, तो जो वो नॉन बैंकिंग एसेट होगी, जो भी गिरवी रखा था उसने सामान, क्योंकि बैंकिंग एसेट तो सिर्फ कैश है, नॉन बैंकिंग एसेट कुछ भी चीज़ रखा उसने, अपना गोल्ड रखा उसने अपना, या फिर अपना घर के कागज़ रखे, जो भी है, तो उसको बेचना, उसको मैनेज करना, सेल करके पैसा को वापस लेना, वो उसका काम, ये भी काम करता है बैंक। मैनेजिंग ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को मैनेज करता है, ठीक है, कई सारे ट्रस्ट चलाता है। डीलिंग विद एनी प्रॉपर्टी और राइट इन प्रॉपर्टीज़ कैप्ट एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, वही भाई जो भी लोन के रिगार्डिंग सिक्योरिटी रखी जाती है उसके साथ डीलिंग करता है ये, ठीक है। एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैंक बिल्डिंग, अक्वायर करना, कंस्ट्रक्शन करना और मेंटेनेंस बनाए रखना, जो बैंक का प्रीमिसिस है, जो बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बिल्डिंग है, उसको मेंटेन करके रखना, भाई ख़राब हो रही, टूट फूट हो रही है, मरम्मत करवा के रखना, कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा वो सही करवाना, ठीक है, इस तरीके से। 12th, सेटिंग एंड मैनेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, राइट्स है, उसको मैनेज करना, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज़ इंसिडेंटल टू द प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग कंपनी, सारी एक्टिविटी इंसिडेंटल प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रमोशन के लिए, एडवांसमेंट के लिए जो किए जाती हैं एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को करना। एनी अदर बिजनेस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, और कोई भी काम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है बैंक के लिए, कई और काम भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि बैंकिंग क्या है और बैंक्स के काम क्या होते हैं, ठीक है। बैंक में भी एंगेज इन द फॉलोइंग बिजनेस। अब देखिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नो बैंकिंग कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट्स सब्सक्राइब कैपिटल इज नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द ऑथराइज कैपिटल एंड इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए क्या बोलता है ये, कोई भी बैंक ने बैंकिंग कंपनी अपने बिजनेस को इंडिया में रन नहीं कर सकती, कब तक नहीं कर सकती, जब उसकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है ना इज नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल से 1/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, जो सब्सक्रिप्शन जो कैपिटल का डाला हुआ है, इज नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल की 1/2 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एंड इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट लेस देन 1/2 द सब्सक्राइब कैपिटल, यानी जो सब्सक्रिप्शन मनी है उसका 1/2 से कम नहीं होना चाहिए, यानी उसका हाफ होना चाहिए। देखो क्या बोलता है, दोबारा से देखते हैं एक बारी। सबसे पहले क्या बोलता है, जो सारी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल, ठीक है, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है, ऑथराइज्ड कैपिटल का जो 1/2 पार्ट है वो होना चाहिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो 1/2 पार्ट है वो होना चाहिए इनका पेड अप कैपिटल, ठीक है, ठीक है। ऑथराइज से मतलब ऑथराइज कैपिटल का जो 1/2 पार्ट तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसे सब्सक्राइब जो पेड अप कैपिटल है सब्सक्राइब का 1/2 होना चाहिए, 1/2 तक तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा,
इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये भाई। दूसरा है द कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी शैल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली और ऑफ द इक्विटी शेयर्स एंड सच प्रेफरेंस शेयर्स एज मे हैव बीन इश्यूड प्रियर टू द फर्स्ट ऑफ जुलाई ऑफ देखो क्या है, जो कैपिटल है ना बैंकिंग कंपनी की वो इक्विटी शेयर्स में होने चाहिए ओनली, और ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर मतलब उस इक्विटी शेयर का पार्ट होना चाहिए एंड सच प्रेफरेंस शेयर्स एज मे बीन इशूड प्रियर टू, जो 1 जुलाई 1944 से पहले पहले इशू हुए हैं एज पर द फाइनेंस एक्ट 2005 बैंक्स आर अलाउड टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए जो फाइनेंस एक्ट 2005 है उसके अकॉर्डिंग बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, सेक्शन 12 सेकंड के अंदर आता है ये। थर्ड देखिए, नो बैंकिंग कंपनी शैल पे आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट और रेमुनरेशन इन एनी फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर इशूड बाय इट। देखिए कोई भी बैंकिंग कंपनी पे डायरेक्टली पे नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली डायरेक्टली पे नहीं कर सकती, कमीशन के रूप में, ब्रोकरेज के रूप में और डिस्काउंट और रेमुनरेशन इन एनी फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर इशू, कोई भी शेयर इशू किया है उसके रिगार्डिंग डायरेक्टली पे, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे नहीं कर सकती कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट, ठीक है, एनी अमाउंट एक्सीडिंग इन द एग्रीगेट 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द सेट शेयर। कोई भी इतना अमाउंट नहीं पे कर सकती जो कि मतलब एज ए कमीशन के रूप में, ब्रोकरेज के रूप में, कोई भी अमाउंट जो कि दोनों का टोटल का एक्सीड करता है किसका, एंड हाफ परसेंटेज ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द सेट शेयर, जो हाफ परसेंटेज है पेड अप वैल्यू की, जितने भी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है उसका हाफ परसेंटेज है जो भी सेट शेयर है उसका। फॉर द बैंकिंग कंपनी कैन नॉट क्रिएट एनी चार्ज अपॉन इट्स अनकॉल्ड कैपिटल एंड एनी सच चार्ज शैल बी वॉइड। कोई भी कंपनी चार्ज नहीं लगा सकती अपनी अनकॉल्ड कैपिटल पर, देखो पेड अप कैपिटल और एक कॉल्ड कैपिटल होती है जो मंगवाई जाती है, एक अनकॉल्ड कैपिटल होती है जो नहीं मंगवाई जाती, छोड़ दी जाती है बाद के लिए, तो अनकॉल्ड कैपिटल पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती बैंकिंग कंपनी, ठीक है। फिफ्थ, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, नो बैंकिंग कंपनी शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स अंटिल ऑल इट्स कैपिटल एक्सपेंसेस हैव बीन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। देखिए जो बैंकिंग कंपनी जो शेयर इशू करके अगर पैसा क्रिएट करती है तो वो कोई डिविडेंड उस पर डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक सारे कैपिटल एक्सपेंसेस उसमें से पे ऑफ ना हो जाए। अगर कैपिटल एक्सपेंसेस पे ऑफ करके रिटर्न ऑफ करके कुछ बचता है फिर देखेगी डिविडेंड के बारे में, ठीक है। सिक्स, एक बैंकिंग कंपनी मस्ट हैव अ होल टाइम चेयरमैन अपॉइंटेड फॉर 5 years एट अ टाइम। जो बैंकिंग कंपनी है उसके लिए होल टाइम चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ेगा, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है उसकी। ही मे बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी ऑफ द बैंकिंग कंपनी और ऑफ अ गारंटी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट बट कैन नॉट टेक अप एनी अदर अपॉइंटमेंट। देखो जो चेयरमैन पर्सन होगा ना वो उसकी उस बैंकिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है लेकिन कोई और अदर काम नहीं कर सकता वो, ठीक है, कोई और अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता उसके रिगार्डिंग। द चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट करते हैं, बट इन द केस ऑफ नेशनलाइज बैंक इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर नेशनलाइज बैंक की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है चेयरपर्सन को, ठीक है, चेयरमैन को। एटलीस्ट 51% ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज मस्ट बी पर्सन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड यूजफुल टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। जो कम से कम 51% डायरेक्टर होते हैं ना जो वो मतलब स्किलफुल पर्सन होने चाहिए और यूजफुल होने चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और द चेयरमैन। रिजर्व बैंक के पास ये पावर होती है कि वो किसी बैंक के डायरेक्टर को हटा भी सकता, बैंक के डायरेक्टर और चेयरमैन को हटा सकता है, ठीक है, किसके पास होती है अथॉरिटी, है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सेवन, देखिए स्टैचुरी रिजर्व, देखो हर बैंक के पास होता है कि उसको एक स्टैचुरी रिजर्व बना के रखना होता है, ठीक है। तो देखिए, एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर ट्रांसफर अ सम इक्वल टू 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर टू द स्टैचुरी रिजर्व अंटिल द अमाउंट ऑफ द रिजर्व टुगेदर विद एनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज इक्वल टू द पेड अप कैपिटल। यानी कि हर एक बैंकिंग कंपनी अपना सब कुछ मतलब कि पहले कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो सारा प्रॉफिट है टोटल आया है उसका 25% स्टैचुरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है उसको बिना कुछ किए हुए, छेड़छाड़ किए हुए उससे, ठीक है। 25% पहले स्टैचुरी रिजर्व में दिया जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे क्या कुछ बचता है, ठीक है।
सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड शुड बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ एनी एक्सीड्स इट्स पेड अप कैपिटल. कोई अगर भाई इस पेड अप कैपिटल से दोनों अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो वो कंटिन्यू किया जाएगा, फिर भी कंटिन्यू किया जाएगा आगे, मतलब उसके अंदर पैसे डाले ही जाएंगे ट्रेजरी रिजर्व में. एट देखिए, कैश रिजर्व एंड स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो. देखो, कैश रिजर्व रखना और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि CRR और SLR. अ शेड्यूल बैंक शैल मेंटेन डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक इक्वल टू एटलीस्ट 3% ऑफ इट्स टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी. एक शेड्यूल बैंक को डिपॉजिट मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास इक्वल टू एटलीस्ट 3% ऑफ इट्स टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी. जो भी उसकी डिमांड लाइबिलिटी है भाई, इतना डिमांड हो सकता है उसका, कम से कम 3% तो कम से कम रिजर्व बैंक के पास उसको पैसा रखना चाहिए. अ नॉन शेड्यूल बैंक हैज़ टू मेंटेन सिमिलर बैलेंसेज आइदर इन कैश और डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक. उनको भी, नॉन शेड्यूल बैंक को भी सेम टाइप का ही जो सिमिलर बैलेंस है कैश डिपॉजिट है वो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है. इन एडिशन टू अबव एवरी बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश. हर एक बैंक रिक्वायर करता है कि वो इंडिया में फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और इनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी एन अमाउंट विच इज़ नॉट लेस दैन 25% और सच अदर परसेंटेज नॉट एक्सीडिंग 40%. मतलब 25% से तो रखना है, उससे थोड़ा ज़्यादा 40% पर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ऑफ टोटल ऑफ इट्स डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इन इंडिया. यानी कि CRR तो कैश रिजर्व वगैरह 25% तक रखना ही है, और SLR जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो भी गोल्ड वगैरह आ जाता है, कैश आता है, कोई सिक्योरिटी आ जाती है, तो उसको 25% तक रखना है डिमांड का, 40% तक एट मैक्सिमम रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, अब आ जाइए बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ बैंक. अब एक बैंक के अंदर बुक कीपिंग सिस्टम मतलब कैसे करते हैं, वो अकाउंट अकाउंट कैसे अपना हैंडल करते हैं, वो बात करते हैं हम. तो देखो, बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अ बैंक. द डेली ट्रांजेक्शन ऑफ अ बैंक आर न्यूमरस विच हैव टू बी रिकॉर्डेड इमीजिएटली. सो देखो, जो डेली ट्रांजेक्शन होती है बैंक की, वो बहुत सारी होती है, न्यूमरस होती है, विच हैव टू बी रिकॉर्डेड इमीजिएटली सो दैट द बैंक मे नो फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एट द क्लोज ऑफ एवरी डे द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ ईच कस्टमर अकाउंट एंड ऑल्सो द कैश पोजिशन. तो बैंक को प्रॉपर इमीजिएटली रिकॉर्ड करना होता है कि सपोज करो, मान लो एक बैंक है, अब बैंक में एक दिन की ट्रांजेक्शन बहुत सारी होंगी, तो जब लास्ट में बैंक में एक लास्ट मतलब एक दिन जिस दिन का मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन आई, वो बैंक को बैंक बंद करते करते शाम होते होते बैंक को वो पूरी ट्रांजेक्शन लिखनी होती है, ताकि हमें हर एक दिन में क्या कस्टमर के अकाउंट में चेंज आया है, अपडेटेड कस्टमर का अकाउंट पता चल जाए. यानी कि बैंक के अंदर अगर एक बैंक है, उसके अंदर अगर 20 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो 20 एम्प्लॉय के अंडर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, उनको अपने घर जाते जाते, जब ड्यूटी ऑफ होती है उनके घर जाते जाते, उन्हें सारी ट्रांजेक्शन अपडेट करनी पड़ती है जो भी आज दिन में उन्होंने ट्रांजेक्शन की है. भाई ये नहीं है कि वो जोड़ते जाएंगे और बाद में कर लेंगे उसको, ऐसा नहीं है. वो एक दिन का काम एक दिन में ही लास्ट में ख़त्म किया जाता है. A bank has therefore to devise such a specialized system of bookkeeping that it could ensure immediate entry of numerous transactions and keep on internal check on the books of account. The maintenance of a large number of subsidiary and memorandum books is an internal feature of this system. जो भाई बड़ी बड़ी जो subsidiary books हैं, memorandum books हैं, उनको बनाए रखना इसका internal feature होता है system का. Following are the main books of the account. देखिए, banks की जो main books कौन कौन सी है. First है receiver cashier's cash book. When a customer want to make a deposit, he has to fill in paying slip. देखो, अगर हमने कोई पैसा जमा कराना है बैंक में अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो उस हमें एक paying slip को भरना पड़ेगा. Take it along with notes and checks to receiver cashier. और साथ में notes और checks वगैरह receiver cashier के पास लेके जाने पड़ेंगे. The receiver cashier takes the amount or check, signs the counter foil. चेक को यहाँ पर वही बोला गया है जिसके अंदर पे इन स्लिप होती है. द रिसीवर कैशियर जो है, जो मतलब जो कैश को रिसीव करेगा बैंक के अंदर, क्योंकि हम डिपॉजिट कराने गए हैं, तो वो उसको लेगा,
और उस काउंटर फॉइल को जो साइड वाली पर्ची, दो पर्ची होती है मतलब साथ में, जो काउंटर फॉइल उस पर साइन करेगा, कीप्स द स्लिप्स एंड रिटर्न द काउंटर फॉइल, और जो उसके साथ वाली स्लिप है वो अपने पास रख लेगा, और फाड़ के जो काउंटर फॉइल जिसके ऊपर साइन करी है उसने, जिसके ऊपर मोहर लगाई है, वो हमें फाड़ के हमें दे देगा डिपॉजिटर को, ठीक है, ताकि हमारे पास भी ये प्रूफ हो कि हमने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, ठीक है। आगे है पेइंग कैशियर्स कैश बुक, पेइंग कैशियर्स हैज़ टू पे चेक प्रेजेंटेड बाय द कस्टमर। देखो नॉर्मल से नाम से देख लो, रिसीवर कैशियर मतलब रिसीव कर रहा है जो, और पेइंग कैशियर जो पे करेगा कैश, यानी कि बैंक में बैठा हुआ बंदा जो कैश रिसीव करेगा, दैट मीन्स जो डिपॉजिट्स जो करवाने आ रहे हैं लोग उसको रिसीव करेगा, और पेइंग कैशियर जो पैसे निकलवाने आ रहे हैं, विड्रॉ करवाने वाले आ रहे हैं, उनको कैश पे करेगा। तो पेइंग कैशियर्स कैश बुक, पेइंग कैशियर्स हैज़ टू पे चेक प्रेजेंटेड बाय द कस्टमर बिफोर हिम फॉर पेमेंट। अगर हम पैसे निकलवाना चाहते हैं तो हम चेक देंगे उसको कि हाँ ये पैसे निकलवाने हैं। द कैशियर आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द चेक पे द चेक एंड मेक्स एंट्री इन द पेइंग कैशियर्स कैश बुक। जेन्युइननेस चेक करेगा उसके, वो जो उसके साइन वगैरह हैं वो चेक करेगा, और फिर चेक को पे कर देगा, ठीक है। और अगे मेन कैश बुक देखिए, एट द एंड ऑफ द डे द अबव द कैश बुक्स आर बैलेंस्ड। जो पूरे डे का एंड होता है ना, तो कैश बुक को बैलेंस किया जाता है। ऑल कैश रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर ऑफ द डे आर सेपरेटली एंटर्ड इन द मेन कैश बुक। जो सारा कैश बैलेंस है वो एंड ऑफ द डे में रिसीट और पेमेंट्स में क्या होता है, एंटर्ड किया जाता है एक मेन कैश बुक के अंदर। लास्ट में क्या होता है, एंड ऑफ द डे में क्या किया जाता है, मेन कैश बुक में फिर वो एंट्री की जाती है। ऑल चेक्स टू बी कलेक्टेड आर पुट इन द क्लियरिंग। जो आर जो जितने भी चेक्स हैं उसको क्लियरिंग में डाल दिए जाते हैं। एंट्रीज आर पोस्टेड इन जनरल लेजर। जनरल लेजर में एंट्रीज की पोस्ट की जाती है फ्रॉम दिस कैश बुक। उस कैश बुक से जो कैश बुक में सारा ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, उस ट्रांजेक्शन से जनरल लेजर में पोस्टिंग की जाती है उसकी। द पोस्टिंग इन द लेजर इज कैरिड अंडर स्लिप सिस्टम। जो पोस्टिंग है लेजर से, और लेजर से कहाँ जाती है, स्लिप सिस्टम में आ जाती है, कैरिड अंडर स्लिप सिस्टम, डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। अगले चैप्टर में मतलब अगले चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है स्लिप सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, करंट अकाउंट लेजर, सेविंग बैंक अकाउंट लेजर एंड अदर डिपॉजिट अकाउंट लेजर। दीज लेजर्स कंटेन कस्टमर और डिपॉजिटर्स अकाउंट शोइंग देयर डिपॉजिट्स, विड्रॉल एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय द बैंक। करंट अकाउंट के अंदर क्या दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है अगर हमारी जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसके अंदर आप देख लोगे, उसमें ये दिखाएंगे कि आपने कितना डिपॉजिट कराया है, आपने कितना विड्रॉल किया है, आपसे कितना इंटरेस्ट आपको क्रेडिट किया गया है, कितना डेबिट किया गया है बैंक के द्वारा, ठीक है। अदर बुक्स, और अदर बुक क्या क्या होती है, बैंक की पासबुक होती है, एक्सेप्टेंस रजिस्टर होता है, एक लोन रजिस्टर होता है, एक बिल रजिस्टर होता है, एक डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट रजिस्टर होता है, और एक क्लियरिंग चेक रिसीव्ड बुक होती है, ठीक है। ये सब ये क्या है, ये क्या है, बुक कीपिंग सिस्टम है बैंक का, ठीक है। एक तो रिसीवर्स कैशियर कैश बुक होती है, एक पेइंग कैशियर कैश बुक होती है, एक मेन कैश बुक होती है जिसमें दोनों की, यानी कि रिसीवर कैशियर कैश बुक और पेइंग कैशियर कैश बुक की ट्रांजेक्शन लिखी जाती है मेन कैश बुक के अंदर, और एक करंट अकाउंट लेजर से लेजर, सेविंग बैंक अकाउंट लेजर और अदर डिपॉजिट अकाउंट लेजर होता है जिसके अंदर पता चलता है कि हम कस्टमर ने कौन सा डिपॉजिट कराया है और कितना डिपॉजिट है उसके में, कितना विड्रॉल किया है, कितना अकाउंट, कितना जो इंटरेस्ट है उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, कितना पैसे उसके मैसेजेस चार्जेस वगैरह के डेबिट हुए हैं, ठीक है। और अदर बुक्स जो हो जाती हैं ये वाली बुक्स जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट इन बैंकिंग कंपनी। द सेक्शन 29(33) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेशन टू द अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द बैंकिंग कंपनी। अकाउंट्स और ऑडिट कंपनी कौन सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 29(33) के बीच में आता है। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, एनुअल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ईच एंड एवरी बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय इट एंड ऑल द बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय इट्स ब्रांचेज।
ईच एंड एवरी बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाई इट एंड ऑल द बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाई इट्स ब्रांचेज इन इंडिया is required to prepare the profit and loss account and balance sheet on 31st March every year. कोई भी banking company है इंडिया में in respect of all business जितना भी transaction कर रही है वो business के अंदर and all the banking company जो सारी banking company है जो इंडिया के बाहर मतलब outside incorporated है in respect of business transacted by its branches in India चाहे बेशक incorporated outside है लेकिन इंडिया के बाहर है लेकिन वो transaction इंडिया के अंदर कर रही है इंडिया के branch के अकॉर्डिंग है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 31st मार्च को बनाना पड़ेगा एवरी ईयर. ठीक है, आगे देखिए, ऑडिट अकाउंट्स द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट. जो द बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैंकिंग कंपनी की उसको ऑडिटिंग करवाने की जरूरत पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से. द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इज मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर्स की वो किसके अकॉर्डिंग होती है कंपनीज एक्ट 1956 के जो भी प्रावधान दिए गए हैं प्रोविजन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग. द पावर राइट एंड ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर्स आर आल्सो गवर्न अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और जो पावर राइट एंड ड्यूटी है वो भी इसके जो कंपनी एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग के उसके प्रावधान के अकॉर्डिंग ही की जाती है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि बैंकिंग कंपनी बैंकिंग क्या होती है और फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड पढ़ी. फिर उसके बाद बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ बैंक अकाउंट बैंक का बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ा किस तरीके से कौन कौन सी बुकिंग होती है और प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स कैसे बनते हैं और उसके बाद अकाउंट्स की ऑडिटिंग कैसे होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़. थैंक यू स्टूडेंट्स.